हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पीडी। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू सेव योर मैसेंजर स्टोरी टू आर्काइव। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने मैसेंजर पर स्टेटस वगैरह, सॉरी स्टोरी वगैरह यहां पर आप ऐड करते हो, ठीक है। तो ऐड करने का टाइम होता है क्या आता है कि इसके बाद 24 आवर का अंदर में वो आपका जो स्टोरी जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर आपका स्टोरी जो है 24 आवर ख़त्म होने के बाद आप अपना खुद का आर्काइव यहाँ पर आर्काइव पर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप कौन सा स्टोरी यहाँ पर मैसेंजर पर ऐड करेगा, ठीक है, ख़त्म होने के बाद 24 आवर के बाद ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक गैलरी है, ठीक है, आर्काइव गैलरी है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो उसको कैसे सेव करना है मैं आपको आज पूरा यहाँ पर सॉल्यूशंस वगैरह दिखाऊंगा। तो यह जानने के लिए आपको वीडियो पे बने रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो इसके लिए पहला जो स्टेप है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेंजर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो मैसेंजर को ओपन करने के बाद आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मेरा दिया हुआ है, योर स्टोरी दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरी डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये स्टोरी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस स्टोरी को, ये 24 आवर का है, इसके बाद में ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा अगर आपको ये सेव करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप कौन सा स्टोरी डालेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सेव होना है आपका गैलरी आर्काइव पर। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फ्रीलांस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्टोरी सेटिंग्स पर, ठीक है, स्टोरी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो स्टोरी सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा आर्काइव स्टोरीज। तो आपको सिंपली इसको टर्न ऑन रख देना है। टर्न ऑन रखने से क्या होगा कि आपका स्टोरी कौन सा आपने डाला है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव होता जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा मेरा जो व्यू स्टोरी आर्काइव, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैंने कौन सा स्टोरी पर डाला हुआ था, ठीक है, ये सब मैंने स्टोरी पर डाला हुआ था। इसके बाद में मैंने ये सेव पर यहाँ पर ओपन किया था, तो इसकी वजह से मेरा ये पूरा यहाँ पर सेव हो चुका है। तो आप ऐसे कर कर कोई भी स्टोरीज वगैरह ऐड कर कर यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। तो यही था आज का प्रोसेस। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।